ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और चीन मिलकर जापान को हिंदुस्तान और अमेरिका के ब्लॉक से निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं और इस सिलसिले में किस हद तक चाइना और पाकिस्तान को कामयाबी मिल चुकी है। क्या जापान चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान में सीपैक से बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने जापान की तरफ से होने वाले लोन की ऑफर को मुस्तरद किए ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। क्या जापान चाइना से वाकई कम मुनाफे पर लोन देने पर रजामंद हुआ है? क्या पाकिस्तान के जजायर पर दुबई तर्ज के नए शहर आबाद करने का हालिया दिनों में किया गया जापान का ऐलान इसी सिलसिले की एक कड़ी है, या जापान जिसे हिंदुस्तान और अमेरिका अपना भरोसा मंद साथी समझ रहे हैं अपनी माशी मुफादात की खातिर चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ खींचा चला आ रहा है? क्या जापान सेंट्रल एशियाई मार्केट्स में चीन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी रवाबित बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? जापान की हुकूमत की तरफ से किया गया इस ऐलान का क्या मकसद है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से अपने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों में काम करने के लिए पाकिस्तानियों को वीजा दे रहे हैं? इसके अलावा जापान के इस ऐलान पर किस हद तक काम हो चुका है, जिसमें इन्होंने कहा था कि वो सीपैक के तहत पाकिस्तान में बनने वाले इकोनॉमिक जोन्स में इब्तदाई तौर पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानी पाकिस्तान से जापान एक्सपोर्ट की जाने वाली एशिया में इस साल 2% से 3% की कमी देखी गई है? क्या जापान अरब ममालिक से बेदखल होने वाले पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में जॉब देकर पाकिस्तान पर एहसान करने की कोशिशों में मसरूफ है? और आज की इस वीडियो में हम ये भी शेयर करेंगे कि कैसे जापान से पाकिस्तान अरब ममालिक से ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल कर रहा है और अरब ममालिक से पाकिस्तानियों को क्यों अचानक डिपोर्ट करना शुरू किया गया है? क्या अमेरिका इस तरह अरब ममालिक और पाकिस्तान के दरमियान इस्तवार होने वाले ताल्लुकात को खराब करने की कोशिशें कर रहा है, या पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का अरबों का फैसला इनका अपना है? अगर अरब ममालिक इस तरह से पाकिस्तानियों को मुलाजमतों से बेदखल करते जाएं तो पाकिस्तानी मैशियत पर पड़ने वाले इस इजाफी बोझ का क्या होगा? क्या पाकिस्तान अब अरब ममालिक के बजाय दूसरे ममालिक के साथ राबिते बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, जबकि दूसरी जानिब इस साल जापान के डोमेस्टिक लेबर में 3,40,000 इजाफी वर्कर्स की जरूरत होगी और जापान ने अपने मुल्क में पैदा होने वाले इस शॉर्ट फॉल को अपने दोस्त ममालिक से पूरी करने का ऐलान किया है? क्या पाकिस्तान इस मौके से फायदा उठा पाएगा? इन तमाम के अलावा आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जजायर पर जापान के ताउन से आबाद किए जाने वाले इन शहरों की क्या अहमियत होगी, इनसे पाकिस्तान को क्या बड़े फायदे हासिल होंगे, और हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि कौन से कंट्री से कितना रेमिटेंस पाकिस्तान कमाता है। मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बरवक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान और जापान के दरमियान होने वाले इन मुआहिदों के बारे में तफसील के साथ और इन मुआहिदों की अहमियत के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने सीपैक अथॉरिटी के तर्ज पर एक नई अथॉरिटी की तश्कील दी है और ये महकमा सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा कि वो पाकिस्तान में मौजूद तमाम जजायर की डेवलपमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में कायम करदा इस अथॉरिटी की तश्कील पर बड़े जोर और शोर से काम किया जा रहा है और पाकिस्तान में मौजूद जापान के खसूसी मुशीर बराए उमूर खारजे की वजीर आजम से मुलाकात में इस मौजू पर तफसील के साथ बातचीत हो चुकी है और जापानी मुशीर बराए उमूर खारजा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके अलावा जापान ने सूबे सिंध के समंदर में मौजूद बंडल जजीरे को दुबई के तर्ज पर डेवलप करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। कराची का बंडल आइलैंड और बलूचिस्तान का अस्टोला आइलैंड को बिल्कुल इसी तर्ज पर बल्कि दुबई जैसे शहर से बेहतर तौर पर डेवलप किया जा सकता है और इन दोनों जजायर की डेवलपमेंट पर लगने वाली रकम सिर्फ और सिर्फ जापान की हुकूमत बर्दाश्त करने को
तैयार हो चुकी है और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने जापान से इस मेगा इन्वेस्टमेंट की ऑफर को खुशी खुशी कबूल कर चुकी है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन दोनों जजाइर यानी सिंध का बंडल आइलैंड और बलूचिस्तान का इस्टोला आइलैंड को डेवलप करने के वास्ते तकरीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दरकार होगी और ये दोनों प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में 2.25 लाख के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। इसके अलावा जापान पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रियल जोन्स में इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल सिस्टम्स और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने का इरादा रखता है। इस सिलसिले में जापान और पाकिस्तान के बिजनेस काउंसिल्स ने पहले ही सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं और जापान के चंद वफूद पाकिस्तान के दौरे भी कर चुके हैं और इन वफूद के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब का इंडस्ट्रियल हब का किरदार अदा करेगा जहां से पूरी दुनिया की तिजारती मंडियों तक रसाई निहायत ही आसानी के साथ हासिल किया जा सकेगा और इस सिलसिले में BRI और CPEC निहायत ही अहम किरदार अदा कर सकेंगे और जापान का पाकिस्तान में चाइना के तर्ज का बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के पीछे एक और वजह ये भी है कि आजकल जापान सेंट्रल एशियाई ममालिक और इस खिते के दूसरे मंडियों तक ईरान के रास्ते रसाई हासिल कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है। मगर CPEC और ग्वादर पोर्ट की तकमील के बाद पाकिस्तान में ईरान से कई गुना ज्यादा बेहतर सहूलियात फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मुहैया होंगी और अमेरिका का साथी होने के नाते जापान ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के ऑप्शन मौजूद होने के बावजूद ईरान का रास्ता इस्तेमाल किया जाए। इस सिलसिले में पहले ही अमेरिका बार बार जापान से ये मुतालिबा कर चुका है कि वो अपना ट्रेड रूट तब्दील करने पर गौर करे और ईरान के अलावा जापान सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते ही वस्ती एशियाई ममालिक की तिजारती मंडियों तक रसाई हासिल कर सकता है। इसी वजह से जापान बार बार पाकिस्तान को ये ऑफर कर रहा है कि वो पाकिस्तान के इन दोनों जजायर को दुबई के तर्ज पर डेवलप करना चाहता है और इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में जापान 60 अरब की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत ने जापान की इस इन्वेस्टमेंट की NOC तक जारी कर दी है और टूरिज्म के सेक्टर को फरोग देना ये हुकूमत अपनी अवलिन तरजीह समझती है और इसी सिलसिले में लाहौर में न्यू रावी सिटी का प्रोजेक्ट और इस्लामाबाद में न्यू ब्लू एरिया सिटी के प्रोजेक्ट पर हुकूमत पहले से काम शुरू कर चुकी है और इसी दौरान जब जापान की तरफ से ये ऑफर आया तो इस हुकूमत के लिए निहायत ही मौजूद बात थी। इसीलिए जजायर के प्रोजेक्ट्स पर निहायत ही तेजी के साथ काम करने के डायरेक्शन दिए जा चुके हैं। इनकी डेवलपमेंट से टूरिज्म इंडस्ट्री को मजीद फरोग मिलेगा। बंडल आइलैंड कराची शहर से सिर्फ 1 मील के फासले पर वाक़ है और इस प्रोजेक्ट में शामिल जजायर का कुल रकबा 12,000 एकड़ के करीब है। इन जजायर को मॉडर्न तर्ज पर डेवलप करने के लिए इससे पहले भी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुहाइदे किए थे। सन 2006 में इमार ग्रुप के साथ इस जजीरे को डेवलप करने का मुआहिदा तय पाया गया था मगर इस मुआहिदे को तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। इसके बाद 2013 में पाकिस्तान के रियल इस्टेट के जाने माने नाम बहरिया ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ इस जजीरे को डेवलप करने का मुआहिदा किया मगर ये मुआहिदा भी मुख्तलिफ वजूहात और हुकूमती नाअहलियों की वजह से पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सका। मगर ये हुकूमत माजी की हुकूमतों के बरअक्स इन जजायर की डेवलपमेंट में खासी दिलचस्पी रखती है जिसकी वजह से एक साथ कई कमेटियां इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने पर काम कर रही हैं, जैसा कि कराची के बंडल जजीरे की जमीन की तनाजात को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई जा चुकी है जो बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और दीगर बुनियादी लवाजमात को पूरा करने के लिए भी काम शुरू किया जा चुका है क्योंकि इन मंसूबों से हुकूमत को सालाना कम से कम 27 से 30 अरब डॉलर तक रेवेन्यू जनरेट होगा क्योंकि इन जजायर पर तालीम सेहत स्पोर्ट्स और जिंदगी के हर सहूलियात आलमी मैयार के मुताबिक बनाई जाएंगी ताकि ये जजीरे दुबई जैसे टूरिस्ट पॉइंट को बड़ी आसानी से मात दे सके और दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये बेहतरीन पॉइंट साबित हो सके। अब बात करते हैं अरब ममालिक पाकिस्तानियों को इतनी तेजी के साथ रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। पिछले एक साल के दौरान अरब ममालिक से लगभग 6 लाख के करीब पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है और आने वाले सालों में मजीद तेजी लाई जाएगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5
सालों के दौरान अरब ममालिक से तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है। सऊदी अरब से पहले हर साल तकरीबन 6 से 8 अरब तक जर मुबादला मौसूल होता था, जबकि इस साल सिर्फ 3 से 4 अरब का जर मुबादला मौसूल हो चुका है। आजकल सऊदी अरब में तकरीबन 19 लाख के करीब पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और इस लिहाज से हर बंदा 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान में बेच रहा है, जबकि इसके मुकाबले में जापान से एक बंदा तकरीबन 15 लाख रुपए पाकिस्तान बेच रहा है, यानी 15,000 डॉलर बेच रहा है। एक ये भी वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान जापान से ताल्लुकात बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान की इस जरूरत को समझते हुए जापान पाकिस्तानियों के लिए वीजे में नरमी का अंदिया दे चुका है और ये ऐलान भी किया है कि जापान पाकिस्तानियों को अपनी हुकूमती महकमों में मुलाजमतें फराहम करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।